नमस्कार, मैं सियाजी और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं जो ड्राइंग होती है, आर्किटेक्ट ड्राइंग होती है, उसमें जो सिंबल, साइन और कोडवर्ड यूज किए जाते हैं वो किस चीज के लिए कौन से यूज किए जाते हैं और वो किस तरह से उनको समझा जा सकता है इसके बारे में। तो इसके बारे में है, ये कोडवर्ड है वो बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारे हैं, तो एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं दो पार्ट में आपको बना के दे रहा हूं ताकि वीडियो है वो छोटा रहे। तो आपको देखने में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर आजकल इतना लंबा वीडियो कोई पसंद करता नहीं है देखना, इसलिए मैं दो पार्ट में इसको अलग अलग बना रहा हूं। तो आज है वो मैं आपको बताने वाला हूं 13 जो सिंबल और उनके कोडवर्ड और उनका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप अच्छे से, जब भी आपके सामने ड्राइंग आएगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कोडवर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ये सेक्शनल सिंबल है वो कौन सा है और एलिवेशन सिंबल कौन सा है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और इसके लिए ड्राइंग को समझने के लिए मैंने 3 वीडियो पहले से बना रखे हैं, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। अगर आपने नहीं देखे तो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको आई कार्ड और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, जहां मर्जी आप देख सकते हैं ड्राइंग को। अगर समझना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आती है तो वो वाले वीडियो देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन ब्रिक होता है, कॉमन ब्रिक की वॉल जो हम बनाते हैं उसके लिए जो यूज करते हैं, अभी मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो सबसे पहले जो सिंबल है वो सेक्शनल सिंबल और उसके बाद में एलिवेशन सिंबल, इस तरह से वो पूरा आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो वो चीज आप में ध्यान में रखिए कि पहला जो साइन है वो सेक्शनल सिंबल है और दूसरा है वो एलिवेशन सिंबल है। तो चलिए, जो ब्रिक्स है, कॉमन ब्रिक है, उसके लिए यूज किया जाता है COM यानी कॉम, और उसको है वो या तो हम डैश लगा के, कोमा लगा के आगे BR के लिख देते हैं, या फिर ऊपर नीचे यानी अपन डाउन उसको जैसे हिंदी में बट्टा लगा के लिखते हैं वैसे लिख देते हैं। इस तरह से कॉमन ब्रिक को यूज किया जाता है, और ये COM और BR के ये कॉमन ब्रिक का कोड है। अब आगे जो सेक्शनल सिंबल देख रहे हैं और एलिवेशन सिंबल देख रहे हैं, इस तरह से ही आपको जो ये सिंबल आगे दिखाएंगे, पहला है वो सेक्शनल होगा और दूसरा एलिवेशन होगा। तो आप इस तरह से इनको समझिए और देखते रहिए। इसके बाद में है वो फेस ब्रिक, जो भी सामने दीवार पे फेस ब्रिक जो लगती है उसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है FC और BR के। FC उसको आप कोमा करके लिखें, डैश करके लिखें या बट्टा में लिखें, लेकिन इस तरह से अलग अलग जो आर्किटेक्ट होते हैं वो अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं, लिखते हैं, तो वो चीज होता है। यानी फेस ब्रिक का FC यूज करते हैं और BR के यानी ब्रिक के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में फैब्रिक एक होता है, जो फैब्रिक है उसके लिए आपको ये चीजें क्या होती है इसके बारे में कभी होगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा अलग अलग कि ये चीजें जो है वो क्या है, कहाँ यूज की जाती हैं, क्योंकि अभी बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ ये आपको कोड और सिंबल ही बता रहा हूं। तो इसके लिए फैब्रिक होता है, उसके लिए FRP यूज किया जाता है, और इसका जो है वो सेक्शनल और एलिवेशन आप आगे देख रहे हैं। फिर ग्लास है, उसके लिए GL यूज किया जाता है, और इसका जो है वो सेक्शनल सिंबल और एलिवेशन सिंबल आप देख ही रहे हैं साथ में। उसके बाद में ग्लास ब्लॉक, यानी जो ग्लास ब्लॉक है, जो कहीं कहीं पे होटल और जो चीजें इस तरह से बनती हैं उनमें है वो ग्लास की दीवारें बना जाती हैं, उसमें काम में ली जाती हैं, तो ग्लास की ब्लॉक आती हैं, तो उसके लिए जो है वो ग्लास ब्लॉक के लिए GL और BLK, ये इसका कोडवर्ड है दोनों का, ग्लास का GL हो गया और ब्लॉक का BLK यूज किया जाता है, और इसका एलिवेशन और सेक्शनल सिंबल आप आगे देख रहे हैं। फिर हो गया स्ट्रक्चरल ग्लास, तो स्ट्रक्चरल ग्लास है उसके लिए STRUC, ये स्ट्रक यानी, और GL यानी ग्लास, ये इसका कोडवर्ड है, और आगे आप सेक्शनल और एलिवेशन आप देख रहे हैं साथ में। तो इसको है वो देख के सारी चीजें एक साथ में याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब भी आप दोबारा इसको ड्राइंग में देखेंगे ना तो आपको फटाक से याद आ जाएगी इसका ये चीज है और इसका ये सिंपल है सिंबल है और ये इस तरह से दिया हुआ है। फिर है जो फ्रॉस्टेड ग्लास, तो फ्रॉस्टेड ग्लास है उसके लिए FRST यूज किया जाता है और ग्लास के लिए GL यूज किया जाता है, ग्लास का GL है। तो इसमें है वो सेक्शनल और एलिवेशन जो आप आगे देख रहे हैं, इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है स्टील,
तो स्टील के लिए कोड वर्ड जो यूज शॉर्ट फॉर्म जो यूज किया जाता है वो एसटीएल है, और इसका है वो सेक्शनल इस तरह से आगे आप देख रहे हैं, और एलिवेशन है वो इस तरह से दो अलग अलग इस तरह से इसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। उसके बाद में होगा कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन क्या होता है इसके बारे में भी है वो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखें, कभी इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कास्ट आयरन और इस आयरन में क्या फर्क होता है वो भी आपको कभी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन कास्ट आयरन के लिए जो कोड यूज होता है वो होता है CST, और उसमें आयरन के लिए होता है IR, और इसका है वो सेक्शनल और एलिवेशन आप आगे देख रहे हैं, इस तरह से इसको सिंबल में दर्शाया जाता है। उसके बाद में आता है ब्रास एंड ब्रॉन्ज, यानी ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए जो यूज किया जाता है वो ब्रास के लिए BRS और ब्रॉन्ज के लिए BRZ, ये है वो ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए यूज किया जाता है, और आगे इसका सेक्शनल और एलिवेशन है वो आप आगे देख रहे हैं। इसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए तो आपने पढ़ा भी होगा और सबको शायद याद भी हो, AL यूज किया जाता है एल्यूमिनियम के लिए, और इसको है वो सेक्शनल में दिखाना होता तो सिंबल आगे आप देख रहे हैं, पहला सिंबल सेक्शनल का है, दूसरा एलिवेशन का है, आप इस तरह से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं सिंबल को देख के। फिर उसके बाद में आता है सीट मेटल फ्लेशिंग, यानी जो मेटल की है वो सीधी सीट कहीं पे एकदम फ्लैश सीट जो लगनी होती है उसके लिए जो कोड वर्ड यूज किया जाता है, यानी SST यानी सीट, और MTL और FLAS यानी ये इसका कोड वर्ड SST और MTL, ये इसके लिए यूज किया जाता है, और इसकी जो आगे है वो सिंबल है वो आप आगे देख ही पा रहे हैं, सेक्शनल और एलिवेशन। और इसके बाद में है रेनफोर्सिंग स्टील बार्स, यानी ये जो रेनफोर्सिंग स्टील बार्स आते हैं इसके लिए जो यूज किया जाता है वो RE BAR, यानी बार है वो तो उसके लिए यूज किया जाता है, और RE यानी रेनफोर्सिंग स्टील बार, इसके लिए अभी आगे आप सेक्शनल और एलिवेशन इसका डिटेल आप सिंबल जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो ये मैंने आज आपको 13 सिंबल और उनके पूरे नाम ये सब बताए, आपको वीडियो में कितनी चीजें पता थी पहले से और कितनी अभी आपने है वो इससे पता हुई है, तो इसी के लिए मैं अगला वीडियो और लेके आने वाला हूं, क्योंकि वीडियो है वो अभी भी देखिए 7.5-8 मिनट का हो गया है, तो इतना ही आगे और बनने वाला है, जो मार्क है दूसरा वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।